नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, अफ्रीकी देश युगांडा से एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है, बहुत ही सकारात्मक न्यूज है। युगांडा के राष्ट्रपति मुसेवनी ने भारतीय लोगों के योगदान की बहुत ही सराहना करी है युगांडा की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। मामला क्या है, विस्तार से बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि युगांडा के पूर्व सैन्य शासक इदी अमीन ने एक समय था जब भारतीय लोगों को युगांडा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। भारतीय लोगों को एक समय सीमा के अंदर देश छोड़कर जाने के लिए बोल दिया था और उनकी सभी संपत्तियों को जब्त कर दिया था। तो उसी पर चर्चा करते हुए राष्ट्रपति मुसेवनी ने राजधानी कंपाला में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए इदी अमीन के गलतियों को याद करते हुए और भारतीयों की पुनः वापसी पर अर्थव्यवस्था में सहयोग के लिए जमकर सराहना की है। दरअसल भारतीयों ने युगांडा में फिर से अपने इन्वेस्टमेंट करी है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट करी है होटल इंडस्ट्री में, इस्पात में, चीनी उत्पादन में, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इन भारतीयों ने करीब करीब 900 फैक्ट्रियों की स्थापना करी है जिससे युगांडा के लोगों को काफ़ी जॉब्स मिली हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसीलिए राष्ट्रपति मुसेवनी ने भारतीय लोगों की जमकर तारीफ करी है और उनका बहुत ही शुक्रिया अदा किया है। धन्यवाद। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।